तो चलिए आप लोग क्वेश्चन आंसर कीजिए। पहला क्वेश्चन है दाना किस के प्राप्त है। प्रश्न पहला है दाना का, प्रश्न को पहला का दाना दाना किंग प्राप्त है थे, प्राप्त है दाना किंग प्राप्त है थे, दान से क्या प्राप्त होती है। उत्तर लिखिए, उत्तर में लिखिए दाना दान से। मैंने अभी आपको पढ़ाया है दान से क्या प्राप्त होता है, दाना गौरवम गौरवम प्राप्त है, प्राप्त दान से क्या प्राप्त होती है, दान से हमें गौरव की प्राप्ति होती है। ख है प्रश्न ख, ख नंबर में है कस्मात कारण वयोनिधि स्थित उच्च स्थित, किस कारण से उच्च स्थिति प्राप्त होती है। कस्मात कसमात कस्मात कारणात कस्मात कारणात वयोदानात स्थिति उच्च अस्थि। कस्मात कारणात वयोदानात स्थित उच्च अस्थि। उत्तर लिखिए वयोदानात वयोनिधि वयोनिधि नामक कारणात् वयोदानात् स्थिति उच्च अस्ति। उसके बाद गौर नंबर क्वेश्चन देखिए, गौ में है दुर्जनस्य च, दुर्जनस्य च सर्वस्य, सर्वस्य कह कह इस क्वेश्चन में कह रहा है दुर्जन और सर्प में कौन बड़ा होता है। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, उत्तर लिखिए दुर्जनस्य सर्पस्य, दुर्जन और सर्प में दुर्जनस्य वर्ण, दुर्जनस्य वर्ण। ओके उसके बाद है आप लोग इतना देख लीजिए लिख लीजिए, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और है वो करवा रही हूं मैं, देखिए इसे अच्छा से। इसमें क्या कह रहा है, दाना किन प्राप्त थे, दाना गौरव प्राप्त थे, कस्मात कारणात् वयोदानात् स्थिति उच्च ही अस्ति। तो इसमें है वयोनिधि नामक कारणात् वयोदानात् स्थिति उच्च अस्ति, दुर्जनस्य च सर्पस्य कः वर्णः, तो दुर्जन च सर्पस्य, दुर्जन और सांप में दुर्जस्य वर्ण, दुर्जन और सांप में किससे बड़ा मानना चाहिए, किससे बड़ा चाणक्य जी ने बोला है दुर्जन को, शत्रु को, दुश्मन को। चलिए इसे आप लोग कीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रही हूं, देख लीजिए। ओके अब चलिए क्वेश्चन नंबर घ, घ में है कान,
कान सप्त सुक्तम, कान सप्त सुक्तान, सप्त सुक्तान प्रबोधय। उत्तर लिखिए प्रतिहारी भंडारी च सप्त सुक्तान प्रबोधय। आपका क्वेश्चन है सर, लास्ट वाला है, समाप्त हो गई क्वेश्चन है सर। अब आपका फिल द ग्लैंड्स, तो चलिए यह है दूसरा नंबर में है रिक्त स्थान, दूसरा में है रिक्त स्थान। तो चलिए कौन है शांति तुल्यम यहाँ पे होगा, शांति तुल्यम तपो नास्ति, तपो ये जो है रिक्त स्थान आप लोगों के चैप्टर से ही लिया गया है। तपो उसके बाद खौ में देखो है न संतोष न संतोषा तत्परम सुखम होगा, सुखम। अब गौ में देखिए कौन नंबर में गौ में है, यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स क्रमशः पूर्यते घट। तो यहाँ क्या होगा जल बिंदु निपाते हैं, जल बिंदु निपाते हैं, जल बिंदु निपाते हैं। गौर नंबर तक हो गया, भाव देखिए घ में है दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पण दुर्जनम, तो वरम सर्पो न दुर्जनम ये हो गया। ओके अब एक लास्ट वाला है यहाँ करवा देती हूँ मन, वो देखिए वो क्या कह रहा है दुर्जनस्तु पदे। अब यहाँ पे लिखो सर्पो दंसतु काले। इसमें है सर्पे दसंतु काले दुर्जनस्तु पदे पदे। तो हो गया आपका फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दी हूँ। बाकी जो नेक्स्ट है आपका ये संधि विषय क्वेश्चन नंबर 4 में है, बाकी में पढ़ी होगी, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। इसे फिलहाल आप लोग अपने अपने कॉपी में कीजिएगा। जैसे कि ये देखिए इसमें आप रिक्त स्थान है शांति तुल्यम, यहाँ होगा तपो नास्ति, दूसरा में है न संतोषा तत्परम सुखम, जल बिंदु निपाते क्रमशः पूर्यते घटः दुर्जन
अच्छा से, ओके, थैंक यू।